नमस्कार दर्शक मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है वडोदरा न्यूज नेटवर्क के ज्योतिषीय प्रोग्राम में। 2020 में शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। 17 अक्टूबर आश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि शनिवार का शुभ दिन चित्रा नक्षत्र तुला राशि के चंद्रमा में नवरात्रि माँ जगदम्बा की उपासना का श्रेष्ठ दिन नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। नवरात्रि यानी माँ जगदम्बा की उपासना शक्ति कृपा प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर। जिस प्रकार से मनुष्य जीवन में माँ जगदम्बा शक्ति रहती है और मनुष्य शक्ति यानी ऊर्जा विहीन हो जाता है और कोई भी कार्य नहीं कर सकता, उसी प्रकार उस शक्ति उस ऊर्जा को प्राप्त करने का एक श्रेष्ठ अवसर यानी माँ जगदम्बा की उपासना का श्रेष्ठ अवसर नवरात्रि। 51 शक्ति पीठों में माँ जगदम्बा की उपासना और साधना करने का महत्व अवसर यानी नवरात्रि। शास्त्र में कहा गया है, कलौ चंडी विनायको, कलयुग में गणपति भगवान और माँ जगदम्बा की उपासना करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि उन्नति और प्रगति प्राप्त होती है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जीवन में उन्नति और प्राप्ति तथा व्यापार में उन्नति प्रगति प्राप्त करने के लिए नवरात्रि में साधना उपासना करने से हमारे जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि और मानसिक शांति हमको प्राप्त होती है। पूरे वर्ष दरमियान हमको सुख और समृद्धि यदि नवरात्रि में उपासना साधना की जाए तो हमको वर्ष दरमियान व्यापार में स्थिरता, लक्ष्मी की प्राप्ति तथा जीवन में उत्तरोत्तर हमको प्राप्त होती है। श्री यंत्र श्री सुक्त की उपासना और साधना करने से हमारे जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। शनिवार को प्रातः 7:30 बजे से 9:30 बजे तक घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है। उसके बाद में अभिजीत मुहूर्त है, 12:00 बजे से 12:45 तक अभिजीत मुहूर्त है। इस मुहूर्त में घट स्थापना करें। पूर्व दिशा में एक चौकी स्थापित करें, उस पर लाल वस्त्र बिछाएं, गेहूं का स्थापन करके माँ जगदम्बा को स्थापित करें। एक कलश लें, उसमें जल भरें और 5 पान पल्लव उसमें स्थापित करके एक श्रीफल पर कलाया डोरा बांधकर उस कलश के ऊपर रखें। माँ जगदम्बा के आगे घी का दीपक स्थापित करें, धूप दीप नैवेद्य से माँ की आराधना करें। ओम ऐम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे का जप करने से माँ जगदम्बा प्रसन्न होती है। माँ का निवारण मंत्र प्रतिदिन एक माला अवश्य करें, जिससे हमारे जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। माँ शक्ति की आराधना करने से हमारी उन्नति और मानसिक शांति हमें प्राप्त होती है। तो इस नवरात्रि माँ जगदम्बा की उपासना करें और प्रतिदिन माँ जगदम्बा का निवारण मंत्र एक माला करके माँ जगदम्बा को समर्पित करें और आरती करके माँ का प्रसाद लें। माँ को चुंदड़ी श्रीफल और हलवे का प्रसाद अवश्य धराएं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। माँ लक्ष्मी की आराधना करने से नवरात्रि दरमियान पूरे वर्ष हमको अच्छी लक्ष्मी प्राप्त होती है, हमारे जीवन में सफलता प्राप्त होती है, व्यापार में उन्नति और प्रगति हमको प्राप्त होती है। तो
इस नवरात्रि में श्रेष्ठ अवसर माँ जगदम्बा को प्रसन्न करने का हमको प्राप्त हुआ है। नवरात्रि में यज्ञ यागादि करने से तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से हमारे जीवन में सुख शांति रहती है। यदि जन्म कुंडली में कोई अशुभ दोष है, शनि राहु केतु, तो माँ जगदम्बा की उपासना श्रेष्ठ फलदायी है। अशुभ दोषों से हमको निवृत्ति मिलती है, इसलिए माँ जगदम्बा की उपासना अवश्य करें। शास्त्र में कहा गया है कि माँ जगदम्बा यानी शक्ति की प्राप्ति, जिस प्रकार से व्यक्ति शक्तिहीन हो जाता है और ऊर्जा हमको जरूरी चाहिए, इस प्रकार से इस नवरात्रि में शुभ अवसर है, ऊर्जा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर है। नवरात्रि में माँ जगदम्बा की उपासना, दुर्गा सप्तशती का पाठ, चंडी पाठ और माँ चंडी की उपासना श्रेष्ठ फलदायी है। तो आए सब मिलकर करें इस नवरात्रि में श्रेष्ठ साधना कि हमारे जीवन को उत्तरोत्तर प्रगति बनाने का शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है। जय अम्बे।